अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम लोगों के घर में है बच्चों की पार्टी। तो पार्टी यूं है कि हमारे घर में बच्चे पढ़ने आते हैं कुरान पाक, तो उन लोगों ने बोला कि तुवा बाजी हम लोग पार्टी करते हैं मिलके। तो हम लोगों ने प्लान किया पार्टी का, तो आप लोगों को मजेदार सा व्लॉग देखने को मिलेगा। तो मैं तैयार कर रही हूं मजेदार सा चॉकलेट केक, तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पार्टी भी शेयर करूंगी, ठीक है? तो अब आप लोग देखें इंग्रेडिएंट्स क्या है। अच्छा, इंग्रेडिएंट जितनी भी क्वांटिटी में मैंने लिया है वो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये देखें, यहां मैंने पिसी हुई चीनी ले ली थी। अब इसके अंदर जो है मैदा है और कोको पाउडर है और बेकिंग पाउडर है, इसको मैंने छान लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स भी शो कर दूंगी। यहां पर मैंने 3 अंडे ले लिए थे। ये है हमारे पास 1/2 कप ऑयल, आप लोग बटर भी यूज कर सकते हैं। वेनिला एसेंस है और ये दूध है। अगर मिक्सचर हमारा जो है, बैटर जो है हमारा, अगर गाढ़ा हुआ तो हम उसके अंदर दूध ऐड करेंगे, ठीक है? अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अब यहां देखें, मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसके अंदर। और आपको रिव्यू भी हाथ के हाथ ही जो है ना वीडियो में मिल जाएगा, बच्चे खुद ही बता देंगे कि कैसा बना है केक। तो यहां देखें ऑयल ऐड करें। अब इसके साथ हम अपनी शुगर को भी ऐड कर देंगे इसी के अंदर। अब हम इसको बीट करेंगे। तो ये देखें, यहां पे शुगर और ऑयल जो है वो अच्छे से हो गया है मिक्स। अब इसके अंदर हम एग डालेंगे। पहले 3 है ना, तो पहले एक डाल के अच्छे से बीट करेंगे। ये एग जो है वो दुआ ने डाला था। अब इसको जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डालेंगे। तो सेकंड वाला जो था वो अनाबिया ने डाला था। तो इन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि तूबा आंटी, जब आप वीडियो शूट करेंगी तो हम आपके साथ होंगे। तो ये लोग सुबह जब जिस टाइम मैं कर रही थी तो ये लोग फौरन आ गए थे, साथ में ही थे ये लोग जब मैं वीडियो बना रही थी। अब यहाँ जो है अच्छे से एग बीट हो गए थे। अब इसके अंदर जो है ये मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर को छान के जो हमने जो रख लिया था, अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसको बस एक पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको बीट कर लेंगे। उसके बाद अगर बैटर जो है आपका, अगर आपको थिक लगे तो आप उसमें 2 टेबल स्पून जो है मिल्क के भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने मैदा जो है इसके ऊपर छिड़क दिया था, इससे आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और मैं पतीली में बनाऊँगी क्योंकि मेरे ओवन में कुछ प्रॉब्लम थी। अब यहाँ जो है ये पतीला जो है मैंने इसको गर्म कर लिया था स्टैंड रख के। उसके बाद 30 मिनट्स में कुक हो गया था। नाइफ़ की मदद से या टूथपिक की मदद से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब ये देखें मैदा जो मैंने स्प्रिंकल किया था, देखें इतना सभी इसमें लगा नहीं है और बिल्कुल स्मूथली जो है ये बिल्कुल बेक हो गया। अब इसी तरीके से मैंने ये वाला केक भी बेक कर लिया था, 2 केक्स बना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी पार्टी के क्लिप्स जो बच्चों ने इन्जॉय किया था। चलें, आप लोगों को मजा आ रहा है? चलें, अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी। इस्लामिक क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोगों को आंसर देना है। एकदम से शोर शराबा नहीं करना है, जिसको भी आंसर आता हो वो हैंड रेज कर लेगा, ठीक है? चलें स्टार्ट। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? अलबाश माशाल्लाह। हमारा दीन क्या है? अनाबिया। वेरी गुड। हम सबको किसने बनाया है? किसने बनाया शेर? वेरी गुड। सूरतुल फातिहा किस बारे में? दुआ। वेरी गुड। हमारा किबला क्या है? वेरी गुड। मदीना नहीं बेटा, मक्का मुकर्रमा। हमारा कलमा क्या है और कलमे कितने होते हैं बताएं अलबाश? हमारे 4 मशहूर इस्लामिक बुक्स के नाम बताइए। अनाबिया। वेरी गुड। इसमें से सबसे ज्यादा मशहूर कौन सी किताब है? दुआ। वेरी गुड। कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में अता करी है? वैसे तो बहुत ही सारी नेमत है, लेकिन एक खास नेमत का नाम बताएं अलबाश। वेरी गुड, एक्सलेंट। हम सब के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। वेरी गुड। नमाजों की नेम्स बताइए। अनाबिया बताएं। क्या बता रही थी आप? कौन कौन सी नमाजें?
أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد थोड़ी आवाज तेज करें ईशल आवाज निकालें तो यहाँ देखें बच्चों ने किया बहुत एंजॉय डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले म्यूज़िकल चेयर और पासिंग द पिलो. अच्छा बच्चों की ही फरमाइश पे मैंने जो है वीडियो बनाई थी. उन लोगों ने कहा था आप हम लोगों की वीडियो बनाएं तो मैंने सोचा चलो और फिर जल्दी एडिट भी करने का कहा क्योंकि कल ही हम पार्टी थी मतलब कल क्या था सैटरडे था ना तो सैटरडे वाले दिन ही हम लोगों ने पार्टी अरेंज की थी. तो खैर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मुझे और इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.